एग्जाम्पल नंबर 20। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है। यूनिवर्सल सेट गिवेन इज 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, एक से लेकर 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इज द नेचुरल नंबर विच इज द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एंड 1, 3, 5, 7, 9 आर ओड नेचुरल नंबर्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो फाइंड द कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें से जो नंबर यहाँ पहले अवेलेबल है उसको रिड्यूस कर दो, हटा दो, मूव कर दो, तो आपका बचेगा 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 और 10, और ये आपका क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो ये बन जाएगा इवन नेचुरल नंबर। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 21 है, यू सेट अप ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आप कोई एजुकेशनल स्कूल, कोई एजुकेशनल मीन्स जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स जितने भी हैं उनके टोटल ऑल स्टूडेंट्स का यूनिवर्सल सेट है, मतलब टोटल स्कूल के अंदर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का ये सेट है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। एंड ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, क्लास 11th की जितनी भी लड़कियां हैं, यहां पर केवल 11th की बात हो रही है, तो सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, क्योंकि 11th में बॉयज और गर्ल्स दोनों है, तो यहां पर गर्ल्स की बात हो रही है कि जो ये क्या है, केवल गर्ल्स का सिलेक्शन है। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, तो एक कम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि क्लास 11th क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों स्टडी करते हैं, तो अगर ये गर्ल्स है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, और ये होगा सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th। बस सिंपल सी बात है, ऑफ द स्कूल लिखना चाहो तो लिख लो, ये ऑफ द स्कूल। ठीक है, और ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में यू इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ए इक्वल टू क्या है, वो 2 एंड 3, बी इक्वल टू 3, 4, 5। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देखो इसका क्या है। सॉल्यूशन में एक तो फाइंड करना ए कम्प्लीमेंट, फिर बी कम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है, और इसके बाद प्रूव करना है। तो अब यहां पर देखें, ए हमारा 2, 3 है, 2, 3 आपका ये हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 1, 4, 5 एंड 6। तो सिंस एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, 3, सो बी रिमूव 2, 3 फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, देन रिमेन 1, 4, 5, 6 व्हिच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नाउ बी 3, 4, 5, ये आपका है, इसको हटाएंगे तो 1, 2, 6 होगा, तो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू 1, 2 एंड 6। नाउ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ए कम्प्लीमेंट ये है, बी कम्प्लीमेंट है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा, 1 एंड 6, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा 1 एंड 6 होगा। और यूनियन आप बनाइए, यूनियन
तो यूनियन हो जाएगा टू थ्री कॉमन आ रहा है फोर फाइव, तो ये हो गया टू थ्री फोर एंड फाइव, समझ में आ गया। यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑल एलिमेंट्स नॉट रिपीटिंग, तो टू थ्री थ्री फोर फाइव, थ्री इज रिपीटेड सो इट इज टेकन बाई वन टाइम्स। आगे ये कह रहा है सो दैट, सो दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एलएचएस ले लो, तो सबसे पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये है टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू है टू थ्री फोर एंड फाइव, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट आप यहां से देख लो टू थ्री फोर फाइव हटा देंगे तो वन सिक्स आ जाएगा, वन एंड सिक्स। अब आर एच एस ले लो, ए कंप्लीमेंट आपका क्या है, ए कंप्लीमेंट है वन फोर फाइव एंड सिक्स, बी कंप्लीमेंट आपका है वन टू एंड सिक्स। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है, वन एंड सिक्स मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन एंड सिक्स, और हियर यू आर वाचिंग दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन सिक्स है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो वन सिक्स, देयरफॉर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड। आप प्रूव्ड हो गया, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका पूरा का पूरा प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव करना था, तो दोबारा से देख लिया। यूनिवर्सल सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, ए टू थ्री है, बी थ्री फोर फाइव, ए कंप्लीमेंट जो यू का एलिमेंट ए में नहीं है वही हमारा इसका कंप्लीमेंट हो गया, सिमिलरली जो यू का एलिमेंट बी में नहीं है वो बी का कंप्लीमेंट हो गया। अब उसके बाद इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, वन एंड सिक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हो गया यूनियन, इन दोनों को मिलाने के बाद ये हमारा यूनियन हो गया टू थ्री फोर फाइव। आगे प्रूविंग के लिए पहले हमने इसका यूनियन निकाला, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, यहाँ दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल लिया, और फिर हियर वी फाइंड बोथ साइड्स आर इक्वल, देन इट इज प्रूव हियर। ओके,